सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। केरल में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में होया जोरदार बंब धमाका, एक की मौत कई जख्मी। मुकेश अंबानी नूं दूजी बार फिर मिली जान तो मरन की धमकी, फरौती की रकम वधा के की गई 200 करोड़, ईमेल राही दी गई जानों मरन की धमकी, पुलिस वालों मामले की पड़ताल जारी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं लिखी चिट्ठी, कहा पेंडिंग बिलों से जल्द लवांगा फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केरल के एर्नाकुलम में हुए बंब धमाके में एक व्यक्ति की जान चली गई। एनआई के मुताबिक कलामा सेरी पुलिस का कहना है कि कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मुताबिक यह घटना रात तकरीबन 9 बजे की है। दरअसल कोची में एक ईसाई सम्मेलन केंद्र को निशाना बनाया गया। इतने हुए धमाके में घट्टो घट एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 20 तो वध लोगों के जख्मी होने की खबर है। इतने मौजूद कई लोगों का यह भी कहना है कि कन्वेंशन सेंटर में लगातार 5 धमाके हुए, जिन्हों एक की आवाज़ बहुत ही जोरदार सी। इस तो बाद केरल के मंत्री पी राजीव मौके पर पहुंचे। केरल की सेहत मंत्री वीना जॉर्ज ने भी सेहत कर्मियों तुरंत हाजिर रहने के आदेश दिए। केरल में कन्वेंशन सेंटर में एतवार हुए धमाके के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चर्चा और मैट्रो स्टेशन के आले दुआले सुरक्षा सख्त कर दी गई। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने अपने नाम गुप्त रखने की शर्त से दसिया कि मुख्य बाजारों, चर्चा, मैट्रो स्टेशन, बस स्टैंडा, रेलवे स्टेशन और होर जनतक थावां उत्ते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट वालों दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के आगू मनीष सिसोदिया की जमानत उत्ते फैसला 30 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की अदालत वालों सुनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा नूं राज्यसभा विचों अणमिथे समय लई मुअत्तल किए जाने के खिलाफ उन्हां वालों दायर पटीशन उत्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली बैंच ने 16 अक्टूबर को चड्ढा की पटीशन उत्ते राज्यसभा सक्रेट को जवाब देने लई कहा सी। अदालत ने इस मुद्दे उत्ते फैसला करने लई अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी तो भी मदद मंगी है। बैंच ने राघव चड्ढा वालों पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और शादान फरासत की इस दलील उत्ते गौर किया कि मुलतवी उस सैशन तो अगे दे समय लई नहीं हो सकते जिस विच मैंबर नूं मुअत्तल किए जाने का फैसला लिया गया सी। दस दिए कि राज्यसभा विच 11 अगस्त को उच्च सदन के नेता पीयूष गोयल ने राघव नूं मुअत्तल किए जाने का मता पेश किया सी, जिस नूं सदन ने स्वीकार कर लिया। राघव उत्ते दिल्ली राजधानी खेतर सोध बिल 2023 नूं राज्यसभा की सिलैक्ट कमेटी कोल भेजण का प्रस्ताव करने लई सदन के कुछ मैंबरां तों सहमति लए बिना ही उन्हां दा नां प्रस्तावित कमेटी लई सुझाउण दा दोष है। देश के सब तो अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक बार फिर तो जानों मरन की धमकी मिली है। इस बार धमकी भरी ईमेल में कथित तौर उत्ते 200 करोड़ रुपए तो वध की मांग की गई है। इस तो पहले भी उन्होंने 2 दिन पहले इस ईमेल अकाउंट तो धमकी मिली थी। उदों मुलजमान ने 20 करोड़ रुपए की मांग की थी। सब तो पहला 27 अक्टूबर को मुकेश अंबानी की कंपनी के ईमेल उत्ते किसी अणपछाते व्यक्ति का मेल आया से 28 अक्टूबर को दोबारा उस अकाउंट तो ईमेल आई। दूजी मेल में लिखा गया कि तुसी साडी ईमेल का अजे जवाब नहीं दिता, हुण यह रकम 200 करोड़ रुपए है, नहीं तो मौत का वारंट तय है। पहली ईमेल तो बाद ही मुकेश अंबानी के सुरक्षा इंचार्ज ने पुलिस के कोल शिकायत दर्ज करवा दी सी। पुलिस ने अणपछाते व्यक्ति विरुद्ध IPC की धारा 387 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिख के भरोसा दवाया कि वह भारत के संविधान दी वक्ख धाराओं के आधार से बिलों की मुड़ तो पड़ताल करेंगे। पत्र में राज्यपाल ने कहा कि आने वाले दिनों में हरेक बिल उत्ते वक्खरे तौर उत्ते अपना फैसला दसणगे। दस दिए कि बीते काफ़ी समय तो पंजाब के राज्यपाल मुख्यमंत्री के विचकार खैबाजी चल रही है। इस लड़ी में ही राज्यपाल ने पंजाब विधानसभा वालों पास किए बिलों उत्ते दस्तखत करने तो ना कर दिए से। इस मामले में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया, भलके इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। दस दिए कि पिछली बार भी पंजाब सरकार ने सैशन लई सुप्रीम कोर्ट का रुख किया से अते सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को हिदायत जारी करके सैशन की मंजूरी लई आदेश दिए सन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल दौरे ते ने हमीरपुर संसदीय हल्के दे देरा अते कुमारविन विधानसभा हल्के विच वख-वख प्रोग्रामां विच शिरकत करदे उन्होंने भाजपा वर्करां ते आम लोगों के नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम सुनिया।
अनुराग ठाकुर ने देरा विधानसभा हलके में डाक विभाग के डाक कर्मचारी यूनियन की डिवीजनल कॉन्फ्रेंस में डाक कर्मियों घुमारबिन ब्लाक समिति मैंबर सिखलाई वर्गों संबोधन किया। देरा विधानसभा में देरा डाक विभाग के डाक कर्मचारी यूनियन की डिवीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने बाद पत्रकारों से गलबात करते हुए ठाकुर ने दसाया कि मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम 31 अक्टूबर को नवी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी समाप्त होगा। उन्होंने दसाया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती उत्ते 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया जाएगा। तो उस दिन प्रधानमंत्री पूरे देश के नौजवानों लिए माई भारत पोर्टल यानी कि माई यूथ इंडिया पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश नौजवानों ने कल शाम बठिंडा के हनुमान चौक नज़दीक माल रोड उत्ते स्थित हरमन अमृतसरी कुलचा के मालक माल रोड के दुकानदार एसोसीएशन के प्रधान हरजिंदर सिंह जौल उत्ते गोलियां चला दी जिस कारण उसकी मौत हो गई सी। पुलिस ने हुण इस मामले में शकियों दी तस्वीर जारी की जानकारी देने वाले 2 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। जानकारी मुताबिक घटना वेले अपने रेस्तरां के बाहर कुर्सी से बैठा से वारदात को अंजाम देने मगरों हमलावर मौके तो फरार हो गए। रेस्तरां के मुलाजम मंगू ने दसा कि 2 नौजवान मोटरसाइकिल उत्ते बाजार वाले पासे आए तो उन्होंने रेस्तरां के मालक उपर अन्नेवाह गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां, जिस तों बाद जख्मी हरजिंदर सिंह नूं इलाज लई हस्पताल में भर्ती करवाया गया जिथों उसनूं मैक्सा हस्पताल में रैफर कर दिता गया पर उसनूं बचाया नहीं जा सकिया। बठिंडा शहर के सब तो ज़्यादा भीड़ भड़के वाले इलाके माल रोड उत्ते शनिवार शाम देर रात 2 मोटरसाइकिल सवारों वालों ताबड़तोड़ गोलियां चला के हरमन अमृतसरी कुलचा के मालक हरजिंदर सिंह उर्फ मेला के कतल के इंसाफ की मंग को लेकर बठिंडा के माल रोड उत्ते दुकानदारों वालों रोस प्रदर्शन किया गया। व्यापार मंडल वालों अनाउंसमेंट भी की गई सी कि कोई भी व्यापारी या दुकानदार अज अपनी दुकान ना खोले। व्यापारियों की मंग है कि मृतक व्यापारी के परिवार को मुआवजा दिता जाए और परिवार के एक जी को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके कांग्रेसी आगू और साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू और मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाल के पिता बलकौर सिंह भी धरने में शामिल हुए, जिन्हां ने पंजाब की विगड़ रही कानून व्यवस्था कारण रोजाना हो रहे कतलों का जिक्र करदिया सरकार को सख्त कदम चुकन लई कहा। धरने से बैठे व्यापारियों और होरना आगुओं ने इस कतल के मामले में पुलिस को 24 घंटे की मोहलत दी है। धरनाकारी ने चेतावनी दी कि जेकर पुलिस ने 24 घंटे में कतल गिरफ्तार न किए तो यह धरना मरण वर्त में तब्दील किया जाएगा। मैं तुहानू बड़ी एक सीधी जी गल कहना, जे तो कोई एक चीज़ होवे एक इंसीडेंट होवे मैं समझ सकता, हर रोज़ फरौतियां होंगे, हर रोज़ फरौतियां होंगे, नहीं हर रोज़ लोगों को डराया धमकाया जाता है। व्यापारी की चाहता है, अमन मान चाहता है, पहला अधिकार है वह अमन मान चाहता है, वो बिजनेस चाहता है, वो अपनी जान को महफूज चाहता है। कल समझो जिथे भी व्यापारी दे कोल बिजनेस का स्कोप नहीं होगा, जिथे भी वो महफूज नहीं है, जिथे भी अमन मान नहीं रहूगा, उस सूबे का गवर्नेंस का कोई मॉडल ही नहीं रहना। तुम तो विछ गए, तुम मैनू दसो ये किहदी रिस्पोंसिबिलिटी है, प्रशासन की तो नहीं। अज इत्थे डीसी ये कह रहा, मैं कहना उन्हूं पूरी तरह रिहैबिलिटेट करो, लेकिन की तुसी जान दा मोल ला सकते हो, की उन्हूं मोड़ सकते हो? हैं जी, तुसी कही जाओ जी 2 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, पर तुसी मैनूं एक गल दसो, जिन्हां जिस परिवार ने अपना सोल ब्रेड अर्नर खो दिता, तुसी मैनूं एक गल दसो, जदों चलिया ही गया ते रह की गया? बेटा, इस घटना दे दुख व्यक्त किया जा सकता है। सरकार दे बिलियर दे उत्ते जिन्नियां लानतां पाईयां जाण उन्नियां थोड़ियां। मैं तां 1.5 साल तो ही इस गल दे उत्ते जोर दे के गल कह रहा भी समा रहिंदे कोई हल कर लो। गैंगस्टरवाद दिन पर दिन वधदा जा रहा है, 2-2, 4-4 पिंडां दे विच इक गैंगस्टर पैदा हो गया, लिस्टां सब दियां बना लईआं। जिहड़ा बंदा कारोबारी आ खुद कमा के रोटी खाण वाला, उह बंदा चिंता दे विच है, पर सरकार इस गल दे उत्ते तस तों मस नहीं हो रही, ना सरकार इस गल दा कोई डाटा इकट्ठा करना चाहुंदी। मैं 20 वारी बोलिया भी तुसीं इक वट्सअप नंबर जारी करो, जिस बंदे नूं फरौती आउंदी उहदा रिकॉर्ड रखो, तुहानूं पता लग जाए किन्ने लोक पीड़त ने इहनां लोकां तों, परंतु उस पास तुर के राजी नहीं कोई। वह तो कहते लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत बड़ी वधिया है, तो तुम देखो दिन दिहाड़े किमें एक कारोबारी का कतल कर दिता गया यार। किसी को की हक है कि तुम किसी का परिवार को हंसते बस नहीं 1 मिनट के लंबू ला के तुर जाने यार? कोई साढ़े पंजाब कतल तो छोटी कोई सजा ही नहीं रहेगी यार।
मतभेद हो सकते किसी ने कोई डिस्प्यूट हो सकता है कोई बह के अदालत कार्यपालिका साढ़े को है सब कुछ शेयर बह के हल किया जा सकता चार भाइयों मत में कि कला शूट करना ही यार हल रह गया। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व मौके सचखंड श्री दरबार साहब फुलों की सजावट संगत लिए खिच का केंद्र बन रही है। वक् वक् तरह के देसी ते विदेशी फुल सजावट लिए वरते जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी भाई इकबाल सिंह मुंबई वालों फुलों की सेवा आरंभी गई है। सजावट लिए वक् किस्म के 31 टन तो वे फुल लगाए जा रहे हैं। भारत के प्रमुख शहरों तो इलावा विदेशों तो भी फुल मंगवाए गए हैं जिन्हों कोलकाता मुंबई पूना बेंगलुरु हॉलैंड थाईलैंड मलेशिया प्रमुख ने। फुल लगाने लिए कोलकाता तो 100 के करीब कारीगर काम कर रहे हैं जिन्हों का सहयोग मुंबई तो आईया संगत भी खूब दे रही ने। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व संबंधी सारिया तैयारियां मुकम्मल की गई ने वड्डी गिणती संगत दरबार साहब मत्था टेकने लिए पहुँच रही है। सब तो पहला आप गुरु साहब की खुशियां लिए गुरपुरब लिए वधाई साझी कर लीए तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जी के पावन प्रकाश पुरब दी सारी संगत को लख लख वधाइया जी। जिहड़ी फुलां दी सेवा हैगी साडे परिवार नू सारी बॉम्बे की जिहड़ी संगत हैगी असीं सारी मिलके करने आ ते सानू 15 साल हो गए ये सेवा निभांदे आ जी। कई प्रकार के फुल जितने मतलब समझो मार्केट अवेलेबल होंगे जिदी शेल्फ लाइफ होंगी 4 दिन 5 दिन की आप विशेष करके इतने कोशिश करिए कि इतने लगाइए जी। फुल कि जगह फुल कुछ थाईलैंड के भी है सिंगापुर के भी है लोकल भी है इंडोनेशिया भी है जिदा ऑर्किड जोड़ा है थाईलैंड का फुल है तो थाईलैंड तो इंपोर्ट किया हो एंथोनियम जोड़ा है वो सिंगापुर का है तो उन्होंने उधरों इंपोर्ट किया। तखत श्री दमदमा साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बेअदबियां बारे गलबात करदे कहा कि बेअदबियां सोची समझी साजिश का हिस्सा ने। उन्हें कहा कि सरकारां बेअदबियां रोकण विच अजे तक भी पूरी तरह सफल रहियां ने। संत बाबा भूरी वालन के समागम विच पहुंचे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अगे कहा कि सिखां नूं कमजोर करन पंजाब अते देश का माहौल खराब करन दे लई बेअदबियां किसे गहरी साजिश के तहत करवाईयां जा रहियां ने। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि सिख फलसफा दुनिया उत्ते बेहतरीन फलसफा है अते अमन शांति अते सर्वसांझी वालता की गल करता है। उन्हें कहा कि जिहड़ियां धिरां नूं इह मंजूर नहीं है वह इस फलसफे नूं कमजोर करन जां सिख मनां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार घटाउण दे लई चालां चल रहे ने जो एक गहरी साजिश का हिस्सा ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां नूं लै के ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां विच हर सिख नूं भाग लैणा चाहीदा है। उन्हें कहा कि हर सिख नूं अपनी वोट बनाउणी चाहीदी है ते कोई गलत वोट ना बने इसका भी ध्यान रखा जाए। देखो बेअदबियां जिहड़ियां हैगियां मैं समझदा कि ये गहरी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है क्योंकि पहली गल कि वड्डी गिनती दे विच ये बेअदबियां जिहड़ियां ने वह पंजाब की धरती ते हो रही ने या थोड़ियां हरियाणे की धरती ते हो रही ने। सरकारां जिहड़ियां ने वह बेअदबियां नूं रोकण दे विच बिल्कुल असफल रही ने चाहे कोई भी होण चाहे मौजूदा सरकार होवे या पिछलियां सरकारां होण पर सानू शक है कि ये पिछे बहुत बड़ी गहरी साजिश जी है वो कम करती नज़र आती है ता कि क्योंकि सिख फलसफा जोड़ा दुनिया का बेहतरीन फलसफा है और अमन पसंद फलसफा है शांति और सर्वसांझी वालता की भाईचारे की गल करता है तो जिहड़ियां चीज़ां तरानू मंजूर नहीं है सर्वसांझी वालता भाईचारा सद्भावना तो वो इस फलसफे जोड़ा है वह सोचदिया ने कमज़ोर करने के लिए या सिख मना के गुरु ग्रंथ साहब जी का आदर सत्कार घटाने के लिए इस तरह दिड़िया चाल चल के कामयाब हो सकनियाँ पर अजिहा होना नहीं है तो ये बड़ी बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है। सिंह साहब जो बेअदबी कोई भी नौजवान करता जो कोई भी करता जो पुलिस को फड़ाया जाता क्या दिमागी सुन रहे मैं पहले क्या कि यह सारा कुछ वर्तारा जोड़ा वरत रहा है ना कि पागल है तो पागल अपना घर नहीं ढा दिता अपनी माता नुकसान नहीं पहुँचा अपनी पिता अपनी भैन भरा नुकसान नहीं पहुँचा वो गुरुद्वारे क्यों आ गुरद्वारा साहब के आके गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जोड़ा है वो सन्मान में ही ढा लाने का यतन क्यों करता है इसलिए असं कहने कि ये पिछले बड़िया गहरिया साजिशा ने और बड़िया ताकत काम कर दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणा ने हर सिख को ये वोटों के भाग लेना चाहिए जिथे असी हर सिख की वोट बनानी है उत्थे कोई गलत वोट ना बने यदा भी ध्यान रखना। गुरु अर्जन कीर्तन मंडल पटियाला वालों अमर आश्रम के सहयोग सदका शहर के वक् स्कूलों के स्पैशल बच्चों का सुभागा जन्मदिन समूहिक तौर पर मनाया गया। इस मौके लगभग 550 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दरदी डॉक्टर आर एन मित्तल ने प्रोग्राम में शमूलियत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। पटियाला शहर तो आए हुए स्पैशल बच्चों ने गिधे भंगड़े और होर वख-वख कलावां की शानदार पेशकारी दी। कर्नल करमिंदर सिंह चेयरमैन अमर आश्रम वालों आए हुए मेहमानों का धन्यवाद और सम्मान किया गया। इस मौके पर पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दरदी आईया हुई शख्सियतों ने बच्चों मैडल राशि भेंट की।
गुरु अर्जन कीर्तन मंडल ने पटियाला वासियों वालों की सेवावां का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सानू हर एक इंसान नू इन्हां स्पैशल विद्यार्थियों का जन्मदिन मना के खुशी जाहिर करनी चाहिए है। इस मौके गुरु अर्जन कीर्तन मंडल के चेयरमैन अमरीक सिंह, प्रधान राम सिंह, जनरल सकत्र वीरेंद्र सिंह, मीत प्रधान नरेंद्रपाल सिंह, मीत सकत्र अमरजीत सिंह, ज्वाइंट सकत्र जगदीप सिंह, खजानची तविंदरपाल सिंह भी मौजूद रहे। देखो इंसान की सोच यह जी होनी चाहिए है और मेरे पिता जी कहते होंगे सके कि तुसी ओहो कम करो जो दुनिया याद करे, ना कि ओहो कम करो जो कि दुनिया बाद दे अंदर भुल जाए। और उही सोच मैं उन्होंने को पाई और उसी सोच के नाल मैं कह के कोई ना कोई विलखण चीज़ की जाए उन्होंने जन्मदिन के उत्ते। और सब तो चंगा तरीका मैं यही मिले कि वो बच्चे जिन्हों का परिवार नहीं ने, जोड़े ऑर्फन ने, जिन्हों के माता पिता ने गुंगे बोले ने, ब्लाइंड ने या विछड़े हुए ने परिवार तो, बजुर्ग ने, कुष्ठ आश्रम के बच्चे ने, कि उन्होंने कोई जन्मदिन कभी वो मनाते नहीं, कि असी उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने जन्मदिन मनाइए। और ये एक ऐसा पटियाले शहर का नवा असी एक तौर चलाइए कि और सबनों बेनती है कि अपने जन्मदिन होटलों च ना मनाओ, इन्हों बच्चों के नाल मनाओ। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बुलारे कमलजीत सिंह अजराणा ने कहा कि हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भुपेंद्र सिंह संध समूह एग्जैक्टिव मैंबर कार सेवा वाले बाबा सुवेग सिंह जी नाल मिलकर गुरद्वारा साहब पातशाह सेवी के सामने वाले चौंक के नवीनीकरण का नींह पत्थर रखेंगे। उन्हें कहा कि इस चौंक को संगत के सहयोग नाल नवी तकनीक नाल बनाया जाएगा। 1 बजे साढ़े प्रधान साहब भी पहुँच जाएंगे, साड़ी एग्जैक्टिव भी सारी पहुँच जाएगी, बाबा जी भी पहुँच जाएंगे। 1 बजे बाबा जी दे हथों इस जिहड़े चौंक दा कल नींह पत्थर रखिया जाएगा दोबारा, तो वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा चौंक है ये दोबारा बनाया जाएगा। देखो पिछली एग्जैक्टिव दे विच ही बीबी रविंदर कौर अजराणा दी वल्लों ये मंग की गई है कि कुरुक्षेत्र दे विच एक स्कूल खालसा स्कूल की घाट है, उहदे वास्ते साढ़े जिहड़े गरीब बच्चे भी ने, गुरसिख बच्चे ने, वह नहीं पढ़ सकते, दूजे धर्मां दे भी बच्चे ने जिहड़े नहीं पढ़ सकते, उन्हां कोल फीस की किते ना किते घाट रहिंदी है, इस करके उन्हां ओह नहीं पढ़ सकते। हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों प्रधान साहब नूं भी असीं कल भी बेनती करांगे कि वधिया एक स्कूल बना के, एक सेवा का केंद्र बना के असीं कुरुक्षेत्र की संगत नूं दईए, अपने बच्चों का भविख वास्ते वधिया स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम टॉप क्लास खालसा स्कूल बना के एक हरियाणे की संगत नूं, कुरुक्षेत्र की संगत नूं दईए। ये साड़ा एक फुरना है, संगत की मंग है, असी प्रधान साहब अगे बेनती करके इहनूं भी जल्द आपां नीह पत्थर रख के इहदी भी प्रवानगी लाँगे। हरियाणा संगत लाकानवाई साध संगत जो भी कार्य गुरु घर के संगत संयोग ना होंगे ने, जो भी संत संगत हुक्म करेगी असी उस सेवा संगत के संयोग नाल चढ़दी कलान करांगे गुरु की बख्शिश नाल। पटियाला विच 8वें आयुर्वेदा दिवस के मौके पर रन फॉर आयुर्वेदा का आयोजन किया गया, जिस विच वड्डी गिणती लोगों ने शमूलियत की। इस मौके द्वारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने विशेष तौर पर शमूलियत की। इस मौके सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरैक्टर डॉक्टर एस एन मूर्ति, रिसर्च अधिकारी डॉक्टर हरबंस सिंह, असिस्टेंट डायरैक्टर डॉक्टर संजीव कुमार ने विशेष तौर पर शमूलियत की। इस मौके सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाइया प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने लिए किया गया यह उपराला शलाघाजोग है। उन्होंने समुची टीम को बधाई पेश की है। आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट पटियाला वालों मैराथन का अरेजमेंट किया गया और ये 1 महीने का जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया लोगों अवेयर करने वास्ते कि आयुर्वेदिक मेडिसन्स के कितने बेनीफिट हैं एज़ कंपेयर टू एलोपैथी। और गोरमेंट ऑफ इंडिया का पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ च कोई के इंस्टीट्यूट है जिथे जो हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता और जो प्राचीन सिस्टम सी दवाइया का उसको संभाल के रखे और इंप्रूव भी किया। और इतों के डॉक्टर्स की लगन सारी मैं देख के बहुत खुश होया, खास करके डॉक्टर हरबंस सिंह जी जो मैं बार बार टेलीफोन करके
इत्थे आउण दी प्रेरणा करदे रहे हन। इन्हां दे नाल सारी टीम डायरैक्टर साहब मूर्ति साहब और डॉक्टर महेश और मेरे नाल खड़े सारे सीनियर डॉक्टर्स इन्हां दी लगन इन्हां दा जो कमिटमेंट टू दी काज है वह देख के मैनूं बहुत खुशी हुई है कि सचमुच ही इन्हां दे दिल दी इच्छा है कि असी अपने देशवासियों की सेवा करिए। और जो मेडिसन इत्थे तैयार की जाती है और जो इत्थे लैबोरेटरीज दी इक्विपमेंट है वह भी मैं पता लगे कि पंजाब सब तो बेस्ट है। और मैं कोशिश करांगा कि अपने टीवी चैनल उत्ते भी इन्हों बुलाइए लोगों नू इस संस्थान बारे और देसी दवाइयां बारे जो ये तैयार करते हैं फ्री विच लोगों नू दित्तियां जांदियां और सेवा की जाती है। बहुत वधिया उद्यम इन्होंने किया सारा महीना कोई ना कोई एक्टिविटी करके इन्होंने इस संस्थान दे और आयुर्वेदा दे प्रचार लई बहुत कमाल दा काम किया। खास करके यूथ नू आयुर्वेदिक कॉलेज दे स्टूडेंट्स नू इन्होंने नाल पार्टिसिपेट करवा के इस मैराथन राही लोगों नू चंगी सेहत दा सुनेहा भी दिता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हाँ कि मैनू इन्होंने बुलाया और मैं अपनी अखां नाल देखा है कि सचमुच ही ये आयुर्वेदा साढ़े जीवन दे विच एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। एलोपैथिक दवाइया के साइड इफेक्ट होंगे और इन दवाइया नाल परमानेंट इलाज होंदा है टैंपरेरी नहीं सगों ये दवाइया लैन नाल बंदा हमेशा वास्ते ही तंदुरुस्त रहिंदा। मैं अपने दिल दीआं डुंघाइयां चों इन्हां नूं शुभ इच्छावां भेट करता होया इन्हां दे इस प्रोग्राम की सफलता उत्ते वधाई भी दिंदा हाँ अते इन्हां दा जो मिशन है उसकी कामयाबी लई अरदास भी करता हाँ। ये जिहड़ा आयुर्वेदा डे है ना ऐतक अठवां हैगा ये एक्चुअली भारत सरकार वालों पिछले 8 सालों तो मनाया जा रहा है क्योंकि ये नैशनल आयुर्वेदा डे है ये गजट नोटिफाई होया है। और इस समय भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष अज मनाया जा रहा है 10 तारीख में भी मनाया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही ने सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर कर रही ने पिछले 3 साल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इस इनवॉल्व है। और इस साल की जी टैगलाइन असी रखी आयुर्वेद की कि भी आयुर्वेदा फॉर वन हैल्थ आयुर्वेदा फॉर एवरी वन ऑन एवरी डे तो इस करके ये खाली हैल्थ वास्ते भी नहीं है ये जी एक्टिविटी असी कर रहे हैं पूरे महीने किसानों वास्ते भी कर रहे हैं कि भी किसानों को कि औषधीय पौधे उगाने चाहिए हैं ताकि उन्होंने फिर फायदा हो अगे जाके उन्होंने दवाई भी बने। नाल दे नाल असी बच्चों भी अवेयर कर रहे हैं आयुर्वेद बारे कि भी आयुर्वेद जी यहोजी चीज़ है कि जी आप दसदी है कि भी हाउ टू लिव हैल्दी किमें असी स्वस्थ रह सकते हैं बगैर दवाइया तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ने 5 तारीख में असी चंडीगढ़ बाइकरस रैली कर रहे हैं इस दे उत्ते ये अवेयर करन नू लोकां नू प्रोपेगेट करन नू आयुर्वेद नू पूरे चंडीगढ़ च 150 से 200 जिहड़े बाइकरस ने वो पूरा एक प्लान बन गया है वो करनगे सवेरे सवेरे 7:30 बजे तो ये 10 तारीख तक बड़ा साडा प्रोग्राम पंचकूला च हैगा उत्थे साडे कैबिनेट मिनिस्टर साहब स्टेट मिनिस्टर सैक्रेटरी जो मिनिस्टर आयुष के ने जॉइंट सैक्रेटरीज ने साडे डी जी साहब ने CCRS दे ते CM हरियाणा श्री खट्टर साहब भी उत्थे होंगे तो वो सब तो बड़ा प्रोग्राम 8, 9, 10 तीन दिन होएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट इंडिया की तरफ तो यह 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है जो कि 8 अक्टूबर तो लैके 10 नवंबर 2023 तक चलूगा। इस दे विच बख बख असी कार्यक्रम किए ने जिदे विच अज दा जिहड़ा कार्यक्रम सी वो रन फॉर आयुर्वेदा रहा है जिदे विच बहुत सारे पार्टिसिपेंट जिदा आयुर्वेद कॉलेज NIS जां साडे स्टाफ ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस वास्ते इस तों अलावा असी इत्थे मरीजां वास्ते लैक्चर दे रहे हैं फ्री दवाई दे रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। ये साडा ये भी मैं कहना चाहूँगा भी जिहड़ा साडा संस्थान है ये NABH पंजाब दे विच पहला संस्थान होगा आयुर्वेद संस्था पहली है जो NABH हो गया। असी इस तों अलावा हुण NABH जिहड़ी इस संस्थान दे वह NABL वास्ते भी असने अप्लाई किया जल्दी ये साड़ी लैब है वो NABL भी हो जाएगी। आज का तारीख 29 अक्टूबर 2023 की इसमें 8वीं आयुर्वेद डे का आयुष मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल काउंसिल फॉर आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट पटियाला के में हम मैराथन का आयोजन किया है और आयुर्वेद का सबको प्रचार करने का और काफ़ी बच्चे काफ़ी लोकल सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया है
बहुत खुशी की बात है सबको अवेयर करने के लिए। आयुर्वेद के बारे में ये पहला संस्थान है पूरा पंजाब में, इंडिया बीच अक्रेडिटेड है और यहाँ दवाई सबको मुफ्त में दिया जाएगा और सबको जांच करने का और डायग्नोसिस करने का प्रक्रिया जारी रहेगा इधर। और हम गांव-गांव में जाके गांव में विलेजर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेगा। आगे जाके हम लोग एनए बेल भी करने के लिए प्रयास में है, यहाँ दवाई भी फ्री में बना के हम लोग पब्लिक को फ्री में बांट दिया जाता है। और ये संस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और CCRS के अंतर्गत है। भारत और इंग्लैंड विचाले एक रोजा विश्व कप 2023 का 29वां मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेडा जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहला बल्लेबाजी करदिया भारत ने रोहित शर्मा की 87 दौड़ा वाली पारी की बदौलत इंग्लैंड 230 दौड़ों का टीचा दिता है। सूर्य कुमार एक दौड़ नाल अर्ध सैकड़ा बनाने तो खुज गए जबकि KL राहुल भी सिर्फ 39 दौड़ा ही बना सके। इन्हों तो इलावा शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी अज फ्लॉप साबित हुए। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते हैं, नज़र मारदे मौसम के हाल से। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के। धन्यवाद।